हम सब ने ये बहुत सुना है हाँ डेफिनेटली या विदाउट ए डाउट काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है पर कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं भी हो रही है अब मुझे पॉलिटिकल एंगल तो पकड़ना नहीं है पर एक चीज है जो मुझे डेफिनेटली काफी सताती है वो है इंडिया में फ्रीलांसर्स और फ्रीलांस मार्केट का हाल अब मैं पैसा वैसा पर फ्रीलांसिंग अराउंड ही काफी कंटेंट करता रहता हूँ तो अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पर ऑनेस्टली बोलो ना जो एट प्रेजेंट जो फ्रीलांसिंग का हाल है वो डेफिनेटली प्लीजिंग नहीं है इस वीडियो में मैं उसी चीज के ऊपर तीन चैप्टर्स के थ्रू बात करना चाहूंगा और मेरी कोशिश रहेगी ये सभी शेयर करने के लिए ताकि आपके पास वो हर एक पॉसिबल सोल्यूशन है जिससे हम उन सारी प्रॉब्लम को जो भी चीजें हो रही है उसको बदल पाएंगे और अपने लिए इंडिविजुअल तौर पर काफी बेनिफिशियल चीजें कर पाएंगे चैप्टर वन प्रॉब्लम्स मैंने क्लियरली आपको बताया है कि फिलंस मार्केट में काफी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली में है क्या क्यों हो रही हैं वो ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से फ्रीलांसिंग मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा है नंबर वन कोर्स काफी सारे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन सी चीज है कॉम्पिटिशन डेफिनेटली इंडिया में हाई पॉपुलेशन होने की वजह से नंबर ऑफ फ्रीलांस ज्यादा होने की वजह से कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो मोर दूसरी प्रॉब्लम लेसर अपॉर्चुनिटीज इन कंपेरिजन टू फॉरिन कंट्रीज यहाँ पे जो कंपनीज है दे एक्चुअली डो नॉट वॉन्ट फ्रीलांसर्स टू टेक केयर ऑफ वॉटर हो रही है, पर अभी भी के जो है, नो रिस्क लेम फ्रीलांसिंग इन ऑल दट के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम है और क्योंकि ट्रेडिशनल जॉब्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है काफी सारे केसेस में दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट इवन गेट इनफ टाइम टू वर्क ऑन दी एक्स्ट्रा स्किल्स उस वजह से आउट ऑफ द बॉक्स जो स्किल्स होती हैं जो एक्स्ट्रा स्किल्स होती है जो आप यूज कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में वो आपके अंदर काफी कम होती हैं। reason, मार्केट में कम है दिस इज अ अंडर पे कंपनी में फ्री लांस को अंडर पे करती है इन मोस्ट केसेस क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फ्रीलांस के साथ वो काम करते हैं तो दे रिली डो नॉट है उनका जो रिस्क होता है वो भी काफी हाई होता है लोगों के साथ में काम करके इस वजह से दे अंडर पे एंड इन मोस्ट केसेस फ्रीलांस अग्री भी कर जाते हैं इसी वजह से ये चीज कंटिन्यू हो रही है पांचवा रीजन है लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी वर्क अब देखो मैक्सिमम केसेस Companies जिनको बेसिक काम ही ज्यादा देती रहती है इसी वजह से मैक्सिमम फ्रीलांसर्स उस पर्टिकुलर चीज से वंचित रह जाते हैं कि अपने आप को एक्सपीरियंस को यूज करते हुए डेवलप कर पाएं कोर्स यहाँ पे रेगुलर स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत होती है पर वो चीज तब हो पाएगी जब आपके पास में अभी फिलहाल के लिए इनफ काम है यू आर स्लोली गेनिंग एक्सपीरियंस एंड यू आर लर्निंग इंप्लीमेंटिंग द सेम थिंग और धीरे धीरे आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो रहा। और उससे आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इंक्रीज होता है दैट इज नॉट हैपनिंग नंबर रीजन बहुत ही ज्यादा केसेस में होता है लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ ग्रोथ मतलब आप फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर जाते हो फिर मोस्ट केसेस आपको ये नहीं पता होता है कि अब मैं आगे क्या करूं हाउ डू आई टेक माई सेकंड स्टेप सही ट्रैक के बारे में अंदाजा नहीं होता है दे डो नॉट हैव द राइट पीपल हु कैन एक्चुअली गाइड देम आप अपने आप को आगे अपग्रेड नहीं कर पाते हो इस वजह से यू एक्चुअली गेट स्टक एट वेयर एग्जैक्टली यू आर राइट नाउ लास्ट रीजन है आई स्ट्रांगली बिलीव लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहां पे फ्रीलांसर्स केसेस में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं मैं ये नहीं बोलता हर कोई होता है पर काफी केसेस में दे आर नॉट फीलिंग अकाउंटेबल टू वॉट एवर दे आर एक्चुअली ऑफर जब कंपनी से या बाकी लोगों से उनको काम मिलता है after agreeing to whatever actually is happening, वो काम को टाइम पे फिनिश नहीं करते हैं उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उस वजह से दू द रिलेशनशिप और उनका स्टार्ट होने के पहले पहले ही थे ओवर और कहने में काफी बुरा लग रहा है आई है लॉट ऑफ टाइम्स विद पीपल आई है पहला रीजन

ट कैसे अच्छा है इन कम्पेरिजन टू इंडियन मार्केट पर अगर सोल्यून पर आप स्टैंड आउट कर पाओ अगर आप एक फोटोग्राफर हो जिसको एडिटिंग भी आती है अगर हो, साथ में वीडियो एडिटिंग भी आती है

कोशिश करो यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स योर पैशन ये करने से कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा होगा एंड लास्ट सोल्यूशन डोंट वर्क फॉर मनी या मैं ये नहीं बोलता कि आपका गोल पैसा के ऊपर नहीं होना चाहिए पर आपका गोल सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा डिस्पेरेट हो जाते हैं आप कोई भी काम एक्सेप्ट कर लेते हैं करने के लिए बिकॉज यू आर्चरी वॉन्ट मनी वो करने से क्या होता है कि आप अपने वर्क को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग वर्क इज नॉट गुड इन अ लॉन्ग रन आपकी जो स्किल है पर्टिकुलर चीज में आपको जो पैशन उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसके लिए काम कीजिए डेफिनेटली पैसा फॉलो करने वाला है नो मैटर वॉर्ड और यही चीजें इस वीडियो के जरिए शेयर करना चाहता था अगर आपको लगता है वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है आपके लिए तो जाने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना शेयर कर देना बिकॉज वाई नॉट बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड की फसलेंगे